अगर आप भी हैं आर्थिक तंगी से परेशान तो रखें लाफिंग बुद्धा। वैसे तो लाफिंग बुद्धा चीनी सभ्यता के फेंगशुई से आया है, लेकिन भारत में भी वास्तुशास्त्र में लाफिंग बुद्धा को बहुत खास माना गया है। हमारे देश में वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि और संपन्नता की निशानी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में सही दिशा और वास्तु के अनुसार यदि लाफिंग बुद्धा को रखा जाए तो घर में धन संबंधी परेशानियां कभी नहीं आती। बहुत से लोग लाफिंग बुद्धा को अपने व्यापार स्थल और कार्यालयों में रखते हैं। वास्तु के अनुसार घर में कुछ ऐसी जगह भी है जहां लाफिंग बुद्धा नहीं रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं लाफिंग बुद्धा कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने जमीन से कम 30 इंच की ऊंचाई पर रखा जा सकता है। मुख्य दरवाजे के सामने लाफिंग बुद्धा को रखने का कारण यह है कि जब कोई आपके घर आए तो मुख्य दरवाजे के खुलने पर उस व्यक्ति को सबसे पहले लाफिंग बुद्धा ही दिखाई दे। इससे उस व्यक्ति के साथ आई नकारात्मक ऊर्जा मुख्य दरवाजे पर ही खत्म हो जाएगी और आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपके घर में मुख्य दरवाजे के सामने जगह की कमी है तो आप इसे पूर्व दिशा, जहाँ से सूर्य देवता का उदय होता है, वहाँ भी रख सकते हैं। घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, इसलिए घर के कुछ स्थानों, किचन, डाइनिंग एरिया, बेडरूम या टॉयलेट बाथरूम के आसपास कभी भी लाफिंग बुद्धा को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु बिगड़ सकता है और आपको गंभीर आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। आशा करते हैं आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।